Today we are going to start numerical portion of the fifth unit, and first numerical is find the position of center of mass of the T-shaped plate from O. तो ये O point मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. ओके, टॉप से इसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है टॉप पॉइंट से. तो लेट मी मेक दिस फिगर. दिस इज द टॉप पॉइंट. ओके, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है. हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि सिग्मा इज रिप्रेजेंटिंग द मास पर यूनिट एरिया, मास डेंसिटी. तो इसका मास कितना हो जाएगा, मान लिया ये जो इतना है रेक्टेंगल, ये है ए वन और ये है ए टू. तो फर्स्ट जो ऊपर वाला है उसका एरिया क्या बन जाएगा, एट इंटू टू 16 मीटर स्क्वेयर. तो मास फर्स्ट का कितना बन जाएगा, सिग्मा इंटू में ए वन, 16 इंटू में सिग्मा. सिमिलरली सेकंड एरिया क्या बन जाएगा, 6 इंटू टू 12 मीटर स्क्वेयर. तो सेकंड का मास कितना बन जाएगा, ये एरिया इंटू में डेंसिटी 12 सिग्मा. तो ये इसका बन गया. अब हमने सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकाल सकते हैं. अब यहाँ पर सेंटर ऑफ मास निकालने का क्या फार्मूला है हमारे पास, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इनटू में उसकी जो सेंटर ऑफ मास जो फर्स्ट का है उसकी दूरी प्लस में मास ऑफ सेकंड बॉडी, ये सॉरी मैं स्मॉल से लिखूँगा, और इनटू में सेकंड की सेंटर ऑफ मास की दूरी डिवाइडेड बाई नेट मास एम वन प्लस एम टू. तो एम वन एम टू हमें पता है. अब देखो फर्स्ट की दूरी क्या होगी, इस फर्स्ट के सेंटर ऑफ मास की अपर से ये 2 मीटर है, तो 2 मीटर का आधा 1 मीटर, तो ये बन जाएगी 1 मीटर. अब इसका हाफ है 3 मीटर और ये 3 मीटर, ये हाफ सेंटर ऑफ मास किसका बन गया, सेकंड का. तो टॉप पॉइंट से इसकी दूरी क्या बन जाएगी, 2 मीटर और ये 3 मीटर, टोटल 5 मीटर. तो ये कैसे निकालेंगे, M1 की जगह रखो 16 सिग्मा, R1 की जगह रखो 1 मीटर, प्लस M2 की जगह रखो 12 सिग्मा, R2 की जगह रखो 5 मीटर, और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 का मतलब 16 सिग्मा प्लस ये सॉरी 12 सिग्मा. तो ये ऊपर तो बन गया 16 सिग्मा प्लस 12 पंजे 60 सिग्मा डिवाइडेड बाई, और नीचे 60 और 12 28 सिग्मा. तो ऊपर बन गया 86 सिग्मा डिवाइडेड बाई 28 सिग्मा. तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, 86 बाई 28 जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 2.71 मीटर. तो इस कंप्लीट मोडी का जो सेंटर ऑफ मास है ऊपर से ये 2.71 मीटर हो जाएगा, 2.71. दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सेंटर ऑफ मास. तो ये ऐसे निकालना था. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, क्वेश्चन नंबर टू है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए राइट सर्कुलर सॉलिड कोन ऑफ बेस रेडियस आर एंड हाइट एच. एक सॉलिड सर्कुलर कोन है इसकी बेस रेडियस गिवन है आर और इसकी हाइट है
एच। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, मान लिया ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो मैंने ये एक कोण बना लिया, मान लिया एक्स इसकी रेडियस है और नीचे से इसकी हाइट जो है मान लिया वाई है, तो ऊपर से क्या हो जाएगी, मान लिया ये पॉइंट ओ है, तो ये बन जाएगी एच माइनस वाई। तो अब ये दो ट्रायंगल बन गई, ओ ए बी सी डी, तो ये एक ट्रायंगल तो बन गई ओ ए बी और दूसरी ट्रायंगल बन गई ओ सी डी। तो इन ट्रायंगल्स में हम क्या करते हैं, दोनों के परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर की हाइट है दोनों की, उसका रेशियो एच अपॉन एच माइनस वाई, ये किसके बराबर हो जाएगा, दोनों की रेडियस का रेशियो आर बाई एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, r एज इट इज h माइनस वाई डिवाइडेड बाई h, ये रेडियस ऑफ दैट कोण आ गई जिस जिस जहाँ पर हमने ये माना है कि इसका सेंटर ऑफ मास है। अब क्या करते हैं हम कि इस जो ये एलिमेंट्री डिस्क मैंने मानी है, ये छोटी सी डिस्क जिसकी रेडियस है x के बराबर और इसकी हाइट जो मैंने मानी है वो मानी है डी वाई, तो इसका मास कैसे निकाल सकते हैं, इस डिस्क का वॉल्यूम इनटू मैं इसकी डेंसिटी, तो मास ऑफ डिस्क मान लिया स्मॉल मास, वो क्या बन जाएगा इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब एरिया इनटू मैं हाइट डी वाई और इनटू मैं इसकी डेंसिटी, तो इसका एरिया क्या बनेगा पाई आर स्क्वेयर, वेयर आर इज रिप्रेजेंटिंग रेडियस ऑफ दिस डिस्क जो कि एक्स है, तो पाई एक्स स्क्वेयर डी वाई इंटू मै रो, एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई इंटू आर स्क्वेयर एच माइनस वाई का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एच का स्क्वेयर और डी वाई एज इट इज इंटू मै रो, तो ये इस स्मॉल डिस्क का अंदर जो मास है वो आ गया डी एम। अब अगर हमने मास जो सेंटर ऑफ मास है उसका कोऑर्डिनेट निकालना है तो वो क्या हो जाएगा कि y का dm के साथ इंटीग्रेशन कर दो, मतलब वो क्या बन गया कि ये जो स्मॉल मास आपने y हाइट पर रखा है ये नेट कंट्रीब्यूशन अगर इसका निकालना है तो उसका इंटीग्रेशन कर देंगे और वो किसके बराबर हो जाएगा, जो टोटल मास की वजह से जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वजह से जो इफेक्ट होगा उसके बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, m इंटू वाई सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम, तो वाई सी एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेंटर ऑफ मास वन बाई एम मतलब टोटल मास इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम, तो डी एम की वैल्यू ये आई है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, वाई सी एम इज इक्वल टू वन बाई एम टोटल मास वाई एज इट इज और डी एम की ये वैल्यू आई है पाई आर स्क्वेयर, ये एच माइनस वाई का स्क्वेयर को मैं खोल देता हूँ, एच स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस टू एच वाई और डिवाइडेड बाई एच स्क्वेयर इंटू में डी वाई इंटू में रो, तो ये वाई एज इट इज था, डी एम की मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो जो भी कॉन्स्टेंट है उसको निकाल लेते हैं बाहर, सिर्फ ये डी वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डी वाई रिप्रेजेंट करता है कि सिर्फ वाई के रिस्पेक्ट में वेरिएशन, तो इसमें वन बाई एम तो बाहर है ही, पाई आर स्क्वेयर बाहर आ जाएगा ये वाला, ये एच स्क्वेयर बाहर आ जाएगा और ये डेंसिटी भी बाहर आ जाएगी, तो अंदर एक ये y बचेगा और एक ये ब्रैकेट बचेगी, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो एच स्क्वेयर वाई माइनस वाई क्यूब माइनस टू एच वाई स्क्वेयर और इसका इंटीग्रेशन डी वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये नेट इंटीग्रेशन जीरो टू एच करना पड़ेगा हमें, टोटल y कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, जीरो हाइट से लेके y हाइट तक, तो ये बाकी चीज़ें तो एज इट इज वन बाई एम पाई आर स्क्वेयर रो बाई एच स्क्वेयर। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, जो वाई की टर्म्स हैं वो तो वेरिएबल हैं और जो एच है उसको कॉन्स्टेंट माना जाएगा, और इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स अगर इसकी पावर एन है तो ये क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन,
तो यहाँ पर x की बजाय क्या y है, अगर y की पावर 1 है तो y की पावर 1 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो y स्क्वायर बाई 2। तो ऐसे ही अगर 3 है 2 है तो अलग अलग सब काम क्या करेंगे, पावर के साथ 1 जोड़ देंगे और उसके साथ नीचे उसी से डिवाइड कर देंगे। तो ये बन गया एच स्क्वेयर वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वेयर बाई 2 माइनस वाई की पावर 3 का मतलब वाई की पावर 4 बाई 4 आफ्टर इंटीग्रेशन, और ये माइनस का 2h और वाई स्क्वेयर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3 और इसकी लिमिट 0 टू h। अब मैं ये इधर का हटा देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं रहने वाली अब, तो इसको हटा देते हैं। तो ये जो बाहर है ब्रैकेट के, ये तो एज इट इज 1 बाई एम पाई आर स्क्वेयर रो बाई एच स्क्वेयर। अब अंदर अपर लिमिट रखेंगे तो y की जगह h लिखेंगे, और माइनस लोअर लिमिट जब रखेंगे तो y की जगह 0, तो माइनस लोअर लिमिट रखने की जरूरत है नहीं, सब 0 बन जाएंगे, सिर्फ अपर लिमिट रखते चले जाओ। तो ये एच स्क्वेयर है और y की जगह एच स्क्वेयर रखेंगे तो एच की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2, ये h की पावर 4 बाई 4, और यहाँ पे माइनस 2h, और y की जगह जब h रखेंगे तो h क्यूब बाई 3 बन जाएगा, तो h क्यूब और h ये तो बन जाएगी पावर 4 और डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे ये 1 बाई m पाई आर स्क्वेयर रो बाई एच स्क्वेयर, एच की पावर 4 सब में से कॉमन आ गया, तो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 4 माइनस 2 बाई 3 सॉरी। जब इसको सोल्व करेंगे तो इनका एलसीएम ले लिया 12, तो 2 छके 12 माइनस 4 थी 12 माइनस 3 चौके 12 और 4 दूनी 8, तो ये कितना बन जाएगा, 2 छके 12 4 थी 12 और ये 3 चौके 12 4 दुनी 8, तो माइनस का ये सॉरी कहीं पे कोई मिस्टेक किया है मैंने, मैं एक बार इसको चेक करता हूँ। हाँ, ये जो एच स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर था तो ये प्लस था निशान, तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो ये 6 और 3 9, 9 में से 8 गया 1/12, तो इस पूरी ब्रैकेट की जगह क्या आ जाएगा 1/12, तो ये बन जाएगा 1/m पाई आर स्क्वेयर रो बाई एच स्क्वेयर एच की पावर 4 और इस पूरी ब्रैकेट की जगह 1/12, तो ये एच स्क्वेयर और ये एच की पावर 4, तो ये यहाँ पे बचेगा एच की पावर 2, तो ये बन गया पाई आर स्क्वेयर रो बाई m और ये बन गया एच स्क्वेयर बाई 12। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारी YCM की। अब हम क्या करते हैं, M की वैल्यू पुट कर देते हैं। M की वैल्यू का मतलब क्या है कि टोटल मास, टोटल मास कैसे निकाल सकते हैं, हम ये टोटल मास निकाल सकते हैं कि आप इसका टोटल का एरिया निकाल लो इंटू में हाइट कर दो, वॉल्यूम बन जाएगी, कौन का एरिया क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर इंटू में हाइट, और वो बन गया वॉल्यूम, वॉल्यूम के साथ डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दोगे तो एम बन जाएगा। तो मास इज इक्वल टू एरिया ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वेयर इंटू में हाइट करोगे तो वॉल्यूम, और वॉल्यूम के साथ डेंसिटी मल्टीप्लाई। तो ये जो वाई सी एम आया है सेंटर ऑफ मास, इसमें m की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, जब m की जगह ये वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर रो एज इट इज एच स्क्वेयर बाई 12, और मैं अब m की वैल्यू पुट करता हूं 1/3 पाई आर स्क्वेयर h इंटू में रो, तो ये बन जाएगा हमारा
ये पाई आर स्क्वेयर से पाई आर स्क्वेयर गया, इस एच से एक ये पावर गई, और ये रो से ये रो गया, ये एच बाई, और ये थ्री 312, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी एच बाई 4। तो इसका सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे होगा, 0 एच बाई 4 इंटू में 0, मतलब एक्स एक्सिस पे उसकी दूरी 0, ये बिल्कुल एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे भी उसकी दूरी 0, और सॉरी जेड एक्सिस पे भी उसकी वैल्यू 0, और वाई एक्सिस पे मतलब जी नीचे से उसकी सेंटर ऑफ मास की हाइट क्या हो जाएगी, एच बाई 4। तो दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ए टॉर्क ऑफ 10^3 न्यूटन मीटर, टॉर्क की वैल्यू गिवन है, एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी टर्न इट थ्रू 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, डिग्री को रेडियन में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180, और 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 30, तो पाई बाई 6 रेडियन, तो ऐसा ही यूनिट में कन्वर्ट करना है इसको थीटा को, तो पाई बाई 6 रेडियन आ गया। कैलकुलेट वर्क डन बाई टर्क ऑन द बॉडी, तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, टॉर्क इंटू में थीटा, तो टॉर्क की वैल्यू गिवन है 10^3 इंटू में पाई बाई 6, तो यहाँ से जो वर्क डन की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 5.23 इंटू 10^2 जूल, ये वर्क डन की वैल्यू आ गई आपकी। अब आपको निकालना है वर्क पावर निकालनी है, तो पावर अब आप कैसे निकाल सकते हो, वर्क डन अपॉन टाइम निकाल दो, तो टाइम यहाँ पे क्या है 0.2 सेकंड गिवन है, तो 0.2 सेकंड से डिवाइड कर देंगे, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क डन की वैल्यू है 5.23 इंटू 10^2 और टाइम है 0.2 सेकंड, तो इसको सोल्व करने के बाद वैल्यू आएगी न्यूमेरिकल वैल्यू 2.615 इंटू 10^3 वाट। दिस इज द पावर रिक्वायर्ड। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ए कॉन्स्टेंट टॉर्क इज एक्टिंग ऑन ए व्हील इफ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड व्हील मेक इन एन रोटेशन इन टी सेकेंड सो दैट एंगुलर एक्सिलेशन इज गिवन बाई 4πn/t². ए कॉन्स्टेंट टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द व्हील, टॉर्क जो है कॉन्स्टेंट है, ठीक है मान लिया मैंने, इफ स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, तो इनिशियली उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, रेस्ट से शुरू करता है, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या बन गई, 0 बन गई। द व्हील मेक एन रोटेशन इन टी सेकेंड, नंबर ऑफ रोटेशन एन, कितने टाइम में, टी सेकेंड में, सो दैट एंगुलर एक्सिलरेशन इज गिवन बाई, अब इसका एंगुलर एक्सिलरेशन निकालना है, तो हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन अप्लाई करते हैं कि थीटा इज इक्वल टू, या आपने जो इक्वेशन सीखी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at² ये तो होती है लीनियर मोशन के लिए, एंगुलर मोशन में s की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा,